नमस्कार, आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधा। आज 10 अक्टूबर है और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने की। तो आइए देखते हैं क्या है बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार में आज 1140 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,94,966 हो गई है। बिहार में फिलहाल 12,250 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दीघा के जनार्दन घाट पर पंचतत्व में विलीन हुए। संस्कार में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह समेत कई नेता घाट पर मौजूद थे। जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 3 दिनों तक मीनापुर में जनसंपर्क अभियान भी करते रहे, लेकिन एनडीए के अंदर अंतर विरोध देखकर आखिरकार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। महागठबंधन के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रही भाकपा माले ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। भाकपा माले के तरफ से स्टार प्रचारकों के लिस्ट में कुल 15 नेताओं को जगह मिली है। जदयू के बाद आरजेडी में भी सीटिंग विधायकों का टिकट कट रहा है। दूसरे चरण में लगभग 3 दर्जन उम्मीदवारों को आरजेडी ने सिंबल जारी किया है और इसमें कई सीटिंग विधायकों को बेटिकट कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 30 नाम का ऐलान किया गया है। आरा से बीजेपी के प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप सिंह की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और आरा के 73 वर्षीय भाजपा प्रत्याशी अमरेंद्र प्रसाद सिंह बाकायदा जमीन पर लेटकर जनता के पैर पकड़ रहे हैं। गोपालगंज जिले के मीरगंज के कवलहता गांव में अपने ही घर के दरवाजे पर सो रहे किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले को संपत्ति विवाद से जोड़ा जा रहा है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स डीलिंग के दौरान हुई कार्रवाई में 6 देसी कट्टा और 16 गोलियां भी बरामद की गई है। पटना के पुनपुन के लोदीपुर के पास सड़क के किनारे खाली पड़े एक ऑटो से शुक्रवार को एक 42 साल के शख्स की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी और शरीर पर चोट के भी निशान थे। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।